विश्व पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना करी। इतिमति विरूप कल्पिता वितृष्ण भगवती सात्वत पुंगवे विभुमने स्वसुख मुपगते क्वचित विहरतुं प्रगति मुपेशि यद भव प्रवाह। विश्व पितामह ने कहा कि गोविंद, मैंने आपके लिए अपने प्राणों को रोक रखा था और आप मेरे इष्ट देव हो और मुझ जैसे भक्त को दर्शन देने आपको आना ही था, क्योंकि आप भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हो। कौन सी प्रतिज्ञा? जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो उस समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास में गए, तो अर्जुन भगवान के चरणों में जाकर के बैठ गया और दुर्योधन सिर तरफ खड़ा हो गया। जैसे ही भगवान जागे तो पहली दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। ओ अर्जुन, आप आए हो? बोले हाँ प्रभु, क्या बात है? बोले मुझे आपकी कृपा चाहिए, महाभारत का युद्ध होगा और उसमें आपकी कृपा के बिना मैं उसको जीत नहीं सकता हूँ। दुर्योधन ने कहा, रुको केशव, पहले मैं आया हूँ, इसलिए पहले मांगने का अधिकार मेरा है, अर्जुन बाद में आया। तो भगवान ने कहा, तू चाहे पहले आया, पहले मेरी अर्जुन पर दृष्टि पड़ी, मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है, पहले अर्जुन मांगेगा उसके बाद। और हाँ, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, हाथी रथ घोड़ा सब सैनिक, और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा और शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। इस महाभारत के युद्ध में मैं एक भी शस्त्र नहीं चलाऊंगा, चलो मांगो। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु गोविंद, मुझे आप चाहिए, आप मेरे साथ में होंगे तो बस आनंद ही आनंद हो जाएगा। दुर्योधन ने कहा, अच्छा रहा ये मूर्ख ने, सेना मेरे पास में रहेगी, अब ये तो कृष्ण तो लड़ेगा भी नहीं युद्ध में, एक शस्त्र भी नहीं उठाएगा, तो किस काम का? मुझे तो सेना ही चाहिए थी, सेना मुझे मिल गई, खुश हो गया और अर्जुन आनंदित हो गया, भगवान मेरे साथ हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, भगवान किसके साथ में है तो फिर क्या चिंता हमारे, भगवान जब हमारे साथ है तो चिंता करने की क्या जरूरत है। और विश्व पितामह ने कहा कि हे गोविंद, जब आपने शस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो एक दिन मुझे दुर्योधन ने उकसाया कि आप विश्व पितामह हमारे साथ जरूर खड़े हो, पर आप हमेशा अर्जुन का पक्ष लेकर युद्ध लड़ते हो, आप ऐसी कहीं आपका वो पुरुषार्थ नहीं दिखा रहे, आपका पराक्रम नहीं दिख रहा है, आप ऐसे मन से लड़ रहे हो। विश्व पितामह ने कहा कि आज मैं मन से लड़ूंगा और देखना, आज इतना लड़ूंगा कि तू भी कहेगा कि बस हो गया काम। और भगवान मन ही मन आज विश्व पितामह ने भी एक प्रतिज्ञा कर ली कि गोविंद, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मेरी प्रतिज्ञा है कि आज आपके हाथ से मैं शस्त्र उठवा दूंगा। आज हरि न शस्त्र कहाऊं तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सूत न कहाऊं, और जो वर्षा करी है अस्त्र शस्त्रों की अर्जुन के ऊपर, अर्जुन का रथ छिन्न भिन्न कर दिया, अर्जुन को लहूलुहान कर दिया, अचेत कर दिया। भगवान ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा टूटे तो टूट जाए, पर मेरे भक्त ने आज प्रतिज्ञा करी कि मैं शस्त्र उठाऊं तो भगवान रथ से कूदे और रथ का पहिया पड़ा था उठाया, भगवान ने धरती कांप गई। धरती ने कहा, भगवान आप ही तो धर्म है और धर्म तोड़ देंगे, प्रतिज्ञा तोड़ देंगे तो धर्म का क्या होगा? भगवान ने कहा, धरती में भक्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चिंता मत कर। और रथ का पहिया उठाया, मारने के लिए चक्र जैसा घुमाया, विश्व पितामह ने धनुष रख दिया और चरणों में प्रणाम कर लिया, गोविंद बस मैं यही चाहता था कि मेरे लिए आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो। तो भगवान तो भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। तो वही रूप का दर्शन मैं आज फिर से करना चाहता हूँ, जो आपने युद्ध में मुझे दर्शन कराया था, उस सुंदर रूप का दर्शन किया है। भगवान ने कहा कि तुम पांडव प्रणाम करो, सब पांडव प्रणाम जब करने लगे तो भीष्म पितामह ने उनको जो उनका जीवन का जो ज्ञान था ना, वो प्रदान किया।
बुजुर्ग जो होते हैं ना घर में, उन बुजुर्गों के पास में थोड़ी देर कभी कभी बैठना चाहिए। आजकल तो मोबाइल आ गया है, ये मोबाइल घर में किसी को सोच समझ नहीं पड़ता। जिनके देखो ये आए सब अपनी मस्ती में, कोई कोई से बातचीत में कहीं नहीं। मेहमान भी आए तो आया, जब आया चाय पिले दी ने वो उनको मोबाइल चलाने लगा, उनको मोबाइल चलाया। बुजुर्गों का जो जो ज्ञान है, उनने जो जीवन में अनुभव किया है, उसको उनके पास में बैठ करके उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। भीष्म पितामह को जब प्रणाम किया ना पांडवों ने, तो उन्होंने ज्ञान दिया कि राज्य का धर्म क्या है, ज्ञान धर्म क्या है, स्त्री का धर्म क्या है, ये सब उन्होंने बताया। बेटा अर्जुन, कभी भी अन्याय किसी के साथ मत करना, और अन्याय करना तो मत पर अन्याय होता हुआ देखना भी पाप माना गया है। तो उस समय थोड़ी सी द्रौपदी को हंसी आ गई, हंस पड़ी द्रौपदी। पितामह ने कहा, बेटी तू हंस रही है? नहीं पितामह, कोई बात नहीं बेटी, कुलवती जो होती है पतिव्रता स्त्री कभी अकारण हंसती नहीं है, तेरा जरूर कुछ व्यंग है, क्या बात है तू क्यों हंसी? तो द्रौपदी ने कहा कि भीष्म पितामह, जिस अन्याय की बात कर रहे हो ना, तो आपके सामने जितना बड़ा अन्याय हुआ है शायद ही किसी के सामने हो, और उस अन्याय को आपने देखा और बोले नहीं, उस समय ज्ञान कहाँ चला गया? जब दुष्ट दुशासन मेरा चीर खींच रहा था, तो मैं आपके पास में आई थी, भीष्म पितामह मेरी रक्षा करो, लेकिन आपने भी मुंह मोड़ लिया था। अंत में सबके पास में गई और फिर भगवान के पास में गई। दौड़ो घन श्याम मेरा चीर खींचा जाता है, दौड़ो घन श्याम मेरा चीर खींचा जाता है, दुष्ट दुशासन प्रभु बल में राजमाता 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 है। गदा तो टूट गई भीम तुम्हारी देखो, गदा तो टूट गई भीम तुम्हारी देखो, अर्जुन के हाथ से गांडीव गिरा जाता है, अर्जुन के हाथ से गांडीव गिरा जाता है, दोनों घनश्याम मेरा चीर खींचा जाता है, दोनों घनश्याम मेरा चीर। हे भीष्म पितामह, आपके सामने बड़ा अन्याय हुआ, आपकी पुत्र वधू चीकारती रही, रोती रही, तड़पती रही, सबसे भीख मांगती रही कि मेरी लाज बचा लो, मेरी लाज बचा लो, और आपके सामने अन्याय हो गया, ये महापाप हुआ। भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए, बेटी ये तो बात ठीक के नहीं है, ये अन्न का प्रभाव है, क्यों मैंने वो दुष्ट के घर का अन्न खाया था ना, तो जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसा जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। अन्न को बड़ा खतरनाक समझना। युधिष्ठिर ने एक संत का भोजन किया तो रोने लगे, तो युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोले मैंने कौन सा पाप किया था जो राजा का अन्न आज मुझे खाना पड़ रहा है। तो युधिष्ठिर रोए, युधिष्ठिर भी रोने लगे कि जब अन्न खाने से इतना, राजा का अन्न खाने का इतना पाप है, तो मैं राजा ना जाने कौन से पाप से मैं राजा बन गया। तो भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए,
तो सबने पूछा कि भगवान आप क्यों रो रहे हो। भगवान कहने लगे मैं उन लोगों के लिए रो रहा हूँ जो बिना देखे बिना सोचे क्या खाना क्या नहीं खाना सब खा जाएंगे, किसका खाना किसका नहीं खाना सब खा जाएंगे। उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ कि वो कुछ विचार अन्न का विचार करना चाहिए, अन्न को बड़े सात्विकता से भोजन बनना चाहिए। घर में भोजन बने तो शुद्धता से बने, पवित्रता से बने। माता बहने सात दिन तक चूल्हा चौके का ध्यान रखे, पवित्रता से भोजन को बनाए और भगवान को भोग लगा करके पाए, क्योंकि भोग लगने से अन्न का दोष समाप्त हो जाता है। तो पहले भगवान को याद करें, जब भोजन की थाली आ जाए तो हे गोविंद हे परमात्मा आओ भोजन को स्वीकार करो, क्योंकि अन्न में पाप भी है।